ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को देखकर फिर भी किसी को मिर्ची लगती है तो लगने दो यार, इसमें हमारा क्या जाता है। हेलो भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई साहब, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ पोको X3 और ये है 128GB और 6GB रैम है इसकी। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिया पोको X3, जबकि मेरे पास है iPhone 6s, iPhone XS Max, iPhone XS जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, iPad 6th generation और iPad mini 5। इन सब के होते हुए मैंने पोको X3 क्यों लिया, इस वीडियो में आप लोगों को वो भी बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो काफी ज्यादा ओपी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार, इसको सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्स। और यार, इसकी प्राइस अगर आप लोगों को बताऊं तो ये मुझको मिला है 40,000 में पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। तो भाई साहब, इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो भाई साहब, हमको जिस बॉक्स के ऊपर सबसे पहले जो चीज मिलती है वो लिखा मिलता है पोको, इसको हटा देते हैं। और ये रहा हमारा पोको X3। देख सकते हो यार आप, इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ओपी है, 5160 mAh काफी ज्यादा ओपी है। और ये 128GB वाला वर्जन और 6GB रैम है इसकी। 8GB रैम वाला भी मिलता है बट वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यही प्रेफर किया क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा और भी डिवाइसेस हैं। iPhone XS मेरा जो है स्पेशली 512GB का है। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और अगर आपको पैकेजिंग जरा सी इसकी ओपन दिखेगी तो यार, ये वहां पे शॉप में ओपन हो चुका है एक बार, तो शॉपकीपर बोल रहा था कि आप इसको ओपन कर लें, कितनी मरतबा इसके कोई मतलब पीसेस खराब भी आते हैं तो वहां पे काउंटर क्लेम हो जाता है, अगर आप घर से लेके आएंगे तो फिर वो वापस नहीं लेंगे। तो उसने वापस इसको मतलब पैक कर दिया शीट वगैरह लगा के, तभी अनबॉक्सिंग हो रही है। तो भाई साहब, इसका फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिलता है हमको। तो ये रहा इसका वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। ये कैमरा भाई साहब काफी ज्यादा मतलब ओपी लग रहा है। और भाई साहब, ये देखो पोको, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था बट ब्लैक अवेलेबल नहीं था, ब्लू भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ सिम पड़ जाएगी, ये रहा इसका कैमरा और USB-C मिलता है। और यार काफी ओपी बात, हेडफोन जैक है इसमें, काफी अच्छी बात है। और अब इसके अंदर पबजी डाउनलोड करके देखेंगे कैसी चलती है, 90 FPS देता है कि नहीं, टोटल सेटिंग इसकी भी देखेंगे। तो बाकी पहले इसमें देख लेते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। तो यार, जो सबसे पहले चीज हमको मिलती है वो मिलता है यार ये वारंटी कार्ड, जो कि किसी काम का नहीं आएगा क्योंकि मेरा कोई मोबाइल खराब नहीं होता। और हमको इसका चार्जर मिल जाएगा, वो भाई साहब काफी ज्यादा हैवी चार्जर है, आई थिंक फास्ट चार्जर होने वाला है ये। USB-C OP, मतलब बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। और यार इसके साथ इसका एक कवर मिल जाता है। और यार ये यूजर मैनुअल जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे इसको। और यार ये रहा इसका कवर, ये कुछ टाइम बाद येलो हो जाएगा बट यार अच्छा है, क्योंकि यार इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर तक नहीं अभी तक मिला क्योंकि न्यू डिवाइस है। तो उस बंदे ने बोला कि यार 2-3 दिन में ट्राई करो, अगेन मिल जाएगा। और ये इसका सीरियल वीरियल, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको उतारेंगे सबसे पहले। तो भाई साहब, इसकी ये है ओरिजिनल ब्यूटी, काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। और ये हमको बाद में यूज आ सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर चिपका देते हैं। और जो मेन वजह मैं आप लोगों को बताऊं, इतने ज्यादा डिवाइसेस होने के बाद मैंने पोको क्यों लिया, तो वजह यही है सिम के लिए। अब आप बोलोगे यार आईफोन के अंदर भी सिम लगती है तो ये क्यों लिया, तो मेरे पास 3 iPhone है, iPhone XS Max, iPhone XS एंड iPhone 6s। तो भाई साहब, उसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में टैक्स लगता है डिवाइसेस के ऊपर अगर आप किसी आउटर कंट्री से लेके आएंगे। तो ये जितनी भी डिवाइसेस मैंने सब सऊदी अरेबिया से परचेज की हुई हैं, तो अगर मैं इसमें सिम डालूंगा तो मुझे iPhone XS के ऊपर 70,000 rupees टैक्स लगेगा। तो यार ये 40 में मिल गया तो ये ठीक नहीं है। इसके साथ मेरे पास फर्स्ट एंड्रॉयड डिवाइस भी आ गई, मेरे पास पहले सारी iOS डिवाइसेस ही हैं। तो मुझे पता है यार एंड्रॉयड में काफी ज्यादा मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है, जबकि iOS में काफी ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं। तो ये फर्स्ट डिवाइस लिया मैंने एंड्रॉयड, देखते हैं इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो मैं इसके ऊपर रिव्यू वगैरह भी बनाता रहूंगा। अब यार इसके अंदर पबजी डाउनलोड करके देखते हैं। तो यार इसके अंदर मैंने सेटअप कर लिया अपना ईमेल वगैरह, अब इसके अंदर डाउनलोड करते हैं पबजी मोबाइल और देखते हैं यार फिर इसकी हाईएस्ट सेटिंग हमको क्या मिलती है। और अगर आपने न्यू डिवाइस लिया और आप गेमर हो, अगर आपने पहली चीज जो इसके अंदर डाउनलोड किया वो पबजी नहीं की, तो यार आई एम सॉरी, आप गेमर नहीं हो। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पबजी ही डाउनलोड करेंगे।
तो यार ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे इसकी फुल सेटिंग वगैरह। हाँ तो भाई लोग फाइनली पबजी मोबाइल डाउनलोड हो चुके हैं और मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। तो भाई साहब अब इसकी सेटिंग ओपन करके देख लेते हैं। तो यार आ चुके हम ग्राफिक्स में, तो यार स्मूथ पे करके देख लेते हैं। और यार स्मूथ में सिर्फ अल्ट्रा तक देता है ये हमको, मतलब 60 FPS भी नहीं दे रहा, 90 तो दूर की बात है। बट यार ये मैंने वैसे भी पबजी मोबाइल खेलने के लिए नहीं लिया, मैं तो खेलूंगा यार अपने आईपैड मिनी 5 के ऊपर। तो यार ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार आप लोगों को बता चुका हूँ कि यार टैक्स की वजह से, मतलब अगर मैं इसको रजिस्टर करवाता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा आईफोन XS मैक्स, तो यार इस पे मुझे तकरीबन 70,000 से 80,000 रुपये तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यार ये 40K के अंदर मैंने कोई न्यू डिवाइस ले ली, वो भी एंड्रॉयड, क्योंकि यार मेरे पास आप लोग देख सकते हैं जितने भी हैं और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो भी आईफोन ही है। तो यार एंड्रॉयड एक डिवाइस सही है क्योंकि यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ भी आदमी कर सकता है, जबकि आईफोन के अंदर ऐसा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। तो बाकी मैं इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा आगे। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो यार इंडिया में इसकी प्राइस कितनी है पोको X3 की 128GB 6GB रैम, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो तो क्या आपने पोको X3 लिया, अगर लिया तो कहाँ से लिया और कितने का लिया और कौन सा वर्जन लिया, मतलब 8GB वाला भी आता है आई थिंक, तो ये मुझे कमेंट्स में आप लोग जरूर बता देना। और डिवाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वैसे पबजी खेलने की तो ली भी नहीं है बट यार काफ़ी ज़्यादा OP है ये, बैटरी वगैरह अच्छी है, मैंने व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना है इसके ऊपर, और कोई एडिटिंग वगैरह कर लूँगा अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो, जैसे कोई इंट्रो वगैरह बना लूँगा न्यू, तो इसके लिए एंड्रॉयड काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैंने ले लिया है। और पोको X3 काफ़ी ज़्यादा OP है, तो मतलब ये कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है, जिसको कोई गेमिंग वगैरह करनी है पबजी तो कोई और ऑप्शन देख सकता है, बट यार ये बजट फ़ोन है काफ़ी, मतलब अच्छा है मतलब इस हिसाब से। तो ये रहा पोको X3 का रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे कर देना। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई ऐसी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। और आपका भाई सुपरमैन मिलता है आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।